वाले जमाना जब आएंगे इंशाल्लाह, कल जुम्मा है ना, जुम्मे का दिन जहूर का मुतवक्का दिन, रिवायतें और भी हैं, आशूरा की भी हैं, सब की हैं, लेकिन जुम्मे का दिन इमाम का दिन है, और अल्लाह करे कि कल इमाम का जहूर हो जाए, कल इमाम आए, इंशाल्लाह आए, अल्लाह करे आ जाए, और आपके पास आए और इमाम बोले कि मैंने बयान करना है, तो आप इमाम से आके क्या कहेंगे कि मौला, आप बोलेंगे इमाम को कि आप क्या बयान करें, बोलेंगे आप मौला वो हमारे मोहल्ले में लोग जो है ना वो वाहवा सुनते हैं, तो मौला आप तरह वाहवा बयान कीजिएगा, कहेंगे आप इमाम से? या अगर आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, बोले बीमारियों के बारे में बताएं, लेकिन इस बीमारी के बारे में कुछ बताइएगा, और वही सबसे बड़ी बीमारी हो मोहल्ले में, तो वो डॉक्टर पता है क्या बोलेगा, बोलेगा आप MBBS पढ़ लें और आप ही बयान कर दें, मैं कहीं और जा रहा हूं। दर्द पहचाने माशरे के, आगा घर तबाह हो रहे हैं, तलाकें हो रही हैं, बच्चियों बच्चे गुनाह कर रहे हैं, बर्बाद हो रहा है माशरा, जवान नशे कर रहे हैं, और आप कहते हैं वाह वाह कर दे बस, कौन बताएगा मुझे, आप बताएं किसको दर्द है दीन का, किसको दर्द है इन जवानों का जो इमाम जमाना के लिए मां ने पैदा किए थे, कि जिनको कोई हुकूमत उठा के अगवा कर देती है, कोई किसी को मार देता है, माँ ने किस तरह एक बच्चे को पाला है, या अली मदद कह कह के नादी अली पड़ पड़ के, और वो जवान गली कोने बैठा हुआ नशा कर रहा हो, उस माँ से पूछे उसके दिल पे क्या गुजरती है, कौन बयान करेगा मुझे आप बताएं, किसी में जरूरत ही नहीं है कोई बयान करे ये बात को, वो मौलाना तो बेचारे वैसे ही घबराते हैं कि क्या बात की तो अगली दफा तो कन्फर्म है नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, मुझे ये नहीं पता, मैं बार बार मैं अपने आप को ये तैयार करता हूं, मुझे ये नहीं पता मैं यहां से उतर के अगला कदम उठाऊंगा, मेरी सांस आएगी या नहीं आएगी, और मैं आपसे ये कहूं कि मैंने अगले साल आपके यहां मजलिस पढ़नी है इसलिए मैं ये बात ना करूं, तो मेरे साथ जो कब्र में चितरौल होने हैं वो मैं जानता हूं, असल सांस का मालिक वो है, जब सांस का मालिक वो है, ऑक्सीजन जो बनाई मालिक वो है, मुझे जो इस एक कतरे से उसने इतना बड़ा इंसान बना दिया मालिक वो है, जब मैं मर जाऊंगा मालिक के यौमे दीन वो है, यानी हर चीज उसका मालिक वही है, तो फिर जो एक मेरी छोटी सी मर्जी है उसका मालिक क्यों नहीं है वो?